महाराष्ट्र की पार्टी शिवसेना दो टुकड़ों में तो बंट ही चुकी है। दोनों गुटों के बीच की लड़ाई इस कदर हो चुकी है कि अब उनमें किसी तरह के मेल मिलाप की कोई गुंजाइश नहीं बची है। दोनों एक दूसरे पर बहुत ही तीखे हमले कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को चुनौती देते हुए कहा वे अगला चुनाव अपने पिता के नाम पर लड़ें, बाला साहेब ठाकरे के नाम पर नहीं। उद्धव ठाकरे ने कहा जिन्होंने विश्वासघात किया है, पार्टी तोड़ी है, वे खुद के पिता का फोटो लगाकर वोट मांगे, शिवसेना के बाप का फोटो लगाकर भीख न मांगे। शिवसेना ने आपको क्या नहीं दिया? महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने शिवसेना के मुखपत्र सामना से कहा सरकार चली गई, मुख्यमंत्री पद गया, इसका अफसोस नहीं है, पर मेरे ही लोग दगाबाज निकले। मेरे ऑपरेशन के बाद की अस्वस्थता के दौरान सरकार गिराने का प्रयास हो रहा था। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीते दिनों जो कुछ हुआ उसे देखते हुए वे अपने लिए चिंतित नहीं है, पर उन्हें महाराष्ट्र के लोगों की चिंता जरूर है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मराठी मानुष और खासकर हिंदुओं की एकता में दरार आई है। उद्धव ठाकरे ने कहा हिंदू द्वेषी और मराठी द्वेषी हमारे घर में ही है, मराठी लोगों की एकजुटता टूटे, हिंदुओं में फूट पड़े और मराठी मानुष हिंदुओं की एकजुट करने के लिए जो मेहनत माननीय शिवसेना प्रमुख ने जीवन भर की उसे हमारे ही कुछ निकम्मों के हाथों तोड़वाने का प्रयास किया जा रहा है, इसकी मुझे चिंता है। शिवसेना में फूट पड़ने पर उद्धव ठाकरे ने कहा हाँ सड़े हुए पत्ते झड़ रहे हैं, जिन्हें वृक्ष से सब कुछ मिला, सभी रस मिले, इसलिए वे तरोताजा थे। वे पत्ते वृक्ष से सारा कुछ लेने के बाद भी झड़ कर गिर रहे हैं और ये देखिए वृक्ष कैसे उजड़ा निर्जीव हो गया है, ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु अगले ही दिन माली आता है और पतझड़ से गिरे पत्तों को टोकरी में भरकर ले जाता है।